है एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल एंड दिस इज़ वीडियो और रिलेटेड टू इम्पॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ऑफ एम जी सेवन इंडियन लिटरेचर की बात करेंगे सो so, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जगह दी है जैसे कि इससे पहले भी एक दो वीडियोज अपलोड हो चुके हैं उनको आप देख लीजिए जो क्वेश्चन नंबर वन है वो आर टी सी बी आता है हमेशा तो आउट ऑफ सिक्स और सेवन आर टी सीज यू हैव टू अटेम्प्ट एनी फोर और आर टी सी आप कैसे कर पाएंगे विद दी हेल्प ऑफ पोइट्री एमजी सेवन की एक वीडियो आपको प्रोवाइड की है जिसमें इंपॉर्टेंट पोइट्रीज को मेंशन किया है तो पहले उसको कवर कर लीजिए उसके बाद आप आर को डील कर लेंगे यहाँ पे आर को इंक्लूड नहीं किया है आर के लिए नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी क्वेश्चन नंबर वन बोलता है डिस्कस मुल्क राज आनंद नॉवल अनटचेबल एज अ गांधियान नोवल कि किस तरीके से मुल्क आनंद जो है वो एक गांधियन नॉवल है इसको आपको प्रजेंट करना है वाई हेयर क्वेश्चन इज गांधी नावल बिकॉज ये जब नॉवल लिखी गई थी उस टाइम पे जो गांधी जी का पर्सपेक्टिव था या जो उनकी चीज़ें थी उस चीज़ को इलाबोरेट किया गया था तो उसमें गांधी जी के इवेंट को भी दिखाया गया है कि, कि किस तरीके से वो इधर उधर मीटिंग्स कर रहे थे लोगों को जागरूक कर रहे थे अवेयर कर रहे थे सैनिटरी के ख़िलाफ़ उन्होंने आवाज़ उठाई जो कि भाका करेक्टर है उससे भी पता चलता है तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आप मैंशन करेंगे कंप्लीट वीडियो जो है इसकी अपलोड है चैनल की प्लेलिस्ट में आप जाकर विजिट कर सकते हैं नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर थ्री है डिस्कस द यूज ऑफ वेरियस मिथ्स एंड सिम्बलिज्म इन राजा रावस नोवल कांतापुरा कांतापुरा के जो मिथ्स हैं उनको इलाबोरेट करना है इसके अंदर क्वेश्चन नंबर जो फोर है वो बोलता है साइलेंट फीचर ऑफ स्वामी विवेकानंद और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग है इसकी वीडियो आज ही अपलोड हुई है चैनल पे आप देख सकते हैं एड्रेस एट द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन और ये एक इंपॉर्टेंट नॉन फिक्शनल पार्ट है नॉन फिक्शनल क्यों बोला जाता है इसको क्योंकि इसके अंदर कोई भी फिक्शन नहीं होता कोई भी एडिटिंग नहीं होती जो रियालिटी होती है जो सिचुएशन होती है वही एग्जैक्ट इसके अंदर मैंशन होती है क्वेश्चन नंबर फाइव है इसका डिस्कस द पॉलिटिकल पॉलिटिकल डायमेंशनस इन अनिता देसाई नोवल क्लियर लाइट ऑफ द डे सो इसका पॉलिटिकल डायमेंशन क्या है उस चीज़ को आपको इलाबोरेट करना है कौन सी नोवल से क्लियर लाइट ऑफ द डे से और ये एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग नावल है जिसको आप देख सकते हैं और इसके ऊपर भी वीडियो प्ले में अवेलेबल है इसके अंदर क्या दिखाया गया है इसके अंदर जो रिलेशनशिप होता है भाई बहन का उस चीज़ को इलाबोरेट किया गया है कि कैसे रिलेशनशिप जो है वो चेंज हो जाते हैं आफ्टर मैरिज और या दूसरी कास्ट से जब हम इंटरेक्ट करते हैं तो कुछ ना कुछ मेंटल जो प्रोसेस है या जो मेंटल थिंकिंग है वो हमारी बदल जाती है ये सारी चीज़ें इस नॉवल के अंदर इंक्लूड की गई हैं नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर सिक्स डिस्कस अमिताभ घोष एज अ शॉर्ट स्टोरी राइटर इनकी जो सिलेबस में बुक है शॉर्ट स्टोरी मेंशन है उसके रेफरेंस में अपने आंसर को जस्टिफाई करना है ऑल राइट वी हैव क्वेश्चन नंबर सेवन क्वेश्चन नंबर सेवन क्या बोलता है डिस्कस गीता हरिधरन एज अ शॉर्ट स्टोरी राइटर विद रेफरेंस ऑफ हर स्टोरीज अब यहाँ पे देखिए गीता आ, हरी हरन का कौन सा वक्त था गाजर हलवा आपको याद रखना है तो कभी कभी पोइट्री का शॉर्ट स्टोरी का नाम ना देकर राइटर के नाम से भी पूछ लेता है आपसे एग्जामिनर सो यू हैव टू प्रिपेयर योर प्रिपरेशन और योर टॉपिक इन बोथ वेज नेम ऑफ द राइटर एंड नेम ऑफ द कंटेंट वदर इट इज पोइट्री शॉर्ट स्टोरी नोवल फिक्शन वर्क तो आपको दोनों पता होने चाहिए समटाइम्स लाइक यहाँ पे पीछे विवेकानंद के बारे में आपसे पूछा तो विवेकानंद का वर्क भी दे दिया आपको एड्रेसिज एट द पार्लियामेंट ऑफ़ रिलीजन राइट मे बी इन एग्ज़ाम्स डायरेक्टली मैंशन एक्सप्लेन द एड्रेसिज एट द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन एंड राइट फीचर्स ऑफ ज राइटर तो वहाँ पे आपको दोनों चीज़ याद याद होना चाहिए कि इसको लिखा किसने था स्वामी विवेकानंद जी ने और इसका नाम क्या है एड्रेस ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ़ रिलीजियन सो बात करेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है हमारा एट क्वेश्चन नंबर नरेटिव टेक्निक्स ऑफ सलमान रशिदी नॉवल मिड नाइट चिल्ड्रन मिड नाइट चिल्ड्रन से हर बार हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है वेदर इट इज रिलेटेड टू द फीचर्स और पोस्ट कॉलोनियल नोवेल और यहाँ पे क्या पूछ लिया गया नैरेटिव टेक्निक से रिलेटेड पूछ लिया गया तो है तो ये इंपॉर्टेंट है लास्ट है इसका डिस्कस द रोल ऑफ महेश द प्ले तारा प्लॉट को डिस्कस करना है यहाँ पे जो महेश दत्तानी का प्ले तारा है ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्ले है जिसमें कि इसको कभी कभी क्वेश्चन आता है कि एक फैमनिस्ट प्ले है इसके अंदर डिस्क्रिमिनेशन को प्रेजेंट किया गया इसमें जो वूमेन है उनको प्रेजेंट किया गया जो जेंडर रोल है उस चीज़ को बहुत प्रॉपर तरीके से एलाबोरेट किया है महेश दत्तानी ने अपने प्ले तारा के अंदर ये जितना एक मैसेज देने वाला प्ले है जिसके अंदर एजुकेशन सिस्टम गर्ल चाइल्ड और जो बायर्स प्रेजेंट होता है गर्ल और बॉय चाइल्ड के बीच में वो सारी चीज़ें इसके अंदर एलेबोरेट की है महेश दत्तानी ने साइड बाय साइड हेयर ही हैज़ एक्सप्लेन द रोल्स ऑफ यू नो सोसाइटियल रोल्स ऑफ यू नो जेंडर रोल्स ऑफ मैन एंड वुमेन जैसे कि यहाँ पे कई स्टेटमेंट में उन्होंने यहाँ यूज़ भी किया है कि जो चंदन है भाई चंदन नीटिंग आ, कि वो कोई भी बुनाई का काम क्यों करेगा या फिर जो तारा है उसको घर देखना है तो इस तरह की जो टॉक्स हैं या जो इस तरीके की चीज़ें हैं जो प्ले के अंदर प्रेजेंट की गई है महेश दत्तानी के थ्रू वो प्रेजेंट करती हैं एक, एक कह सकते हैं आप एक जो ट्रेडिशनल मैन होता है जैसे पेट्रियारिकल सोसाइटी है इंडिया उस चीज़ को प्रेजेंट करती है कंट्री साइड में आज भी उस तरीके की सिचुएशंस को देखा जा सकता है इस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा मैंने डिस्कशन किया है लास्ट वाले क्वेश्चन पे वाहिए क्योंकि लास्ट वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है साइड बाई साइड एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि सिर्फ आप शॉर्ट स्टोरी को ही कवर ना करें उनके राइटर्स को भी ध्यान में रखें कि उस शॉर्ट स्टोरी को लिखा किसने है बिकॉज लुक हेयर क्वेश्चन नंबर सेवन हेयर The name of the story is not नॉट name of the writer is इज़ geeta गीता हरिहरन unki उनकी ko को karna करना है तो उन्होंने क्या लिखा है गाजर हलवा लिखा है तो यहाँ gajar गाजर हलवा ना देकर आपको writer ka का नाम aap se question put up कर लिया गया तो इस तरीके से इससे पहले कि जो short story six, की जो शॉर्ट स्टोरी का क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किया है क्वेश्चन नंबर सिक्स अमिताभ घोष की जो शॉर्ट स्टोरी है उससे किया है तो ये जो क्वेश्चंस मैंने प्रिपेयर किए हैं ये एग्जाम को देखकर बहुत प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर किए हैं ताकि आप दोनों तरीके से अपने आप को मेंटली फिजिकली प्रेजेंट कर पाएं कि ऐसा ना हो कि पोइटरी आपने कर ली शॉर्ट स्टोरी आपने कर ली पर उसके राइटर का आपको कुछ पता ही नहीं है आपको राइटर के बारे में कुछ नहीं पता तो आप कैसे उस क्वेश्चन को अटैम्प्टिंग दे पाएंगे नेक्स्ट चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये कि आप बार बार पूछते हैं कि कितने पेजेस में लिखना है कितने लाइंस में लिखना है आरटीसी को कब करना है तो ये मेरा पर्सनल सजेशन है कि आप आरटीसी को मतलब कि क्वेश्चन नंबर वन को सबसे लास्ट में कीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन नंबर वन टाइम कंज्यूमिंग होता है राइट और क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है क्योंकि आउट ऑफ सेवन और सिक्स आर टी सी यू हैव टू अटैम्प्ट एनी फोर तो उस चीज़ को बहुत ध्यान से पढ़ना है कि किस चीज़ को आप स्किप कर सकते हैं पोइट्रीज़ को मैंने इन वीडियोस में मेंशन नहीं किया जो सीरीज़ चला रही हूँ मैं या जो सीरीज़ चल रही हैं पोइटरीज़ के लिए अलग से सेपरेट वीडियो मैं दे चुकी हूँ जो इंपॉर्टेंट पोइट्रीज़ हैं उन्हीं पोइट्री में से कोई ना कोई क्वेश्चन कोई ना कोई आर के फॉर्म में आएगा आपके एग्जाम में राइट right? तो उसकी वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है आप सर्च कीजिए या प्ले में जा देखिए तो वहाँ पे आपको मिल जाएगी चैनल के नाम के साथ आप सर्च कर लीजिए अगर आपको कोई टॉपिक नहीं मिलता है तो ऑलमोस्ट सारे ही टॉपिक्स पे हम वीडियोस बना चुके हैं अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि कितने पेजेस में लिखना है पेजेस में लिखने के लिए वही बात है कि अगर फाइव क्वेश्चंस आते हैं और थर्टी पेजेस की शीट है तो हर एक आंसर कितने पेजेस का होगा सिक्स पेजेस का होगा अब बात ये आती है कुछ स्टूडेंट समझ नहीं पाते और वो बोलते हैं कि क्या आर भी सिक्स पेजेस की होगी यस आर भी सिक्स पेज में इंक्लूड होगी लेकिन लेकिन वो कब होगी वो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर क्योंकि आरटीसी तब वहाँ पे आएगी फोर आरटीसीज आपके सिक्स पेजेस कंटेन करते हैं राइट लाइक क्वेश्चन नंबर टू जो है आपका इलाबोरेशन के कॉन्टेक्स्ट में लिखा जाएगा तो इलाबोरेशन में आपका सिक्स पेज होंगे और ये जो चार आरटीसी आएगी वो भी आपकी सिक्स पेज के अंदर ही इंक्लूड होगी तो इस तरीके से आपको अपने आंसर को बाइंड अप करना है ये तो बात हुई पोइट्री सेशन की उसके बाद जो इसका पेपर का पैटर्न है वो ऐसे नहीं आता है कि टोटल क्वेश्चन दे दिए और उसमें से कोई भी फ़ोर करना है पोइट्री वाले सेशन को छोड़ के हर एक क्वेश्चन में एक चॉइस होती है लाइक क्वेश्चन नंबर जो वन है उसकी अगर मैं बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर वन आता है हमेशा कहाँ से जो आपकी सबसे पहली नोवेल है वहाँ से आ जाता है जो आपकी पहली नोवेल क्या है अनटचेबल से आ जाता है और राजा राव के क्वेश्चन में हमेशा चॉइस होती है ठीक है तो ये याद रखना है अनटचेबल और राजा राव के क्वेश्चन में से हमेशा चॉइस आती है हमेशा और उसके बाद आपका एक नोवेल आती है शॉर्ट स्टोरीज जो है और ऑटोबायोग्राफी हमेशा जो ऑटोबायोग्राफी है चाहे वो किसी की भी हो नेहरू की हो विवेकानंद की हो गांधी जी की हो या नॉन फिक्शनल जो प्रोज है वो हमेशा शॉर्ट स्टोरी के साथ ही ऑप्शन में आता है राइट तो शॉर्ट स्टोरी के साथ आपका नॉन फिक्शनल वाला पार्ट जो है वो ऑप्शन में आता है एक क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आता है बहुत आसान है वो होता है तारा का जो कि आपका लिखा है महेश दत्तानी का प्ले तारा जिसके ऊपर मैंने फोकस किया था उसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना उसको बहुत अच्छे से प्रेजेंट करना है तो ऑलमोस्ट हमने सारी बात कर ली है इस वीडियो के अंदर कि आपको कितने पेजेस में लिखना है अपने टोटल नंबर ऑफ़ पेजेस को टोटल